एप्रिल शेष सप्ताह में मैट्रिक परीक्षा हेबो बोली सूचना देखते मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र दिन 12 मैट्रिक परीक्षा संपर्क में गुरुत्वपूर्ण घोषणा कर मुख्य शासन सचिव कहते जे एप्रिल 29 तारीख मे 6 तारीख जाए परीक्षा हो महामारी प्रकोप कमी हेतु एथर मैट्रिक परीक्षा पिला पढ़ुवा निज स्कूल देवे किंतु परीक्षा परिचालना अन्य स्कूल शिक्षक मानू नियोजित होता संभवपर होना सेठे पाख स्कूल पिला परीक्षा देवे एथर ऑफलाइन मोड में मैट्रिक परीक्षा हो मुख्य शासन सचिव कहते एथर तीनोटी पद्धति में परीक्षार फलाफल निर्धारण हो से कहते तेज यह घोषणा पर मैट्रिक परीक्षार्थी और सेमानक अभिभावक मन द्वंद एवं दूर हो जो समेटिव आसेसमेंट वन जोटा गत वर्ष परीक्षा होता समेटिव आसेसमेंट वन एवं इंटरनल आसेसमेंट यार वेटेज को दुई गुण करके परीक्षा फल निर्धारण करा जिवो द्वितीय पद्धति अनुसार एबे जो समेटिव आसेसमेंट टू जोटा एप्रिल मास शेष सप्ताह जो परीक्षा हे तार वेटेज को दुई गुण कर परीक्षा फल निर्धारण करा जिवो तृतीय पद्धति अनुसार जो परिषदर जो नूतन मूल्यायन पद्धति होती इंटरनल आसेसमेंट को 20% समेटिव आसेसमेंट वन जोटा होता गत वर्ष 30% एवं समेटिव आसेसमेंट टू जोटा एप्रिल मासरे परीक्षा हे 50% वेटेज दि जाए परीक्षा फल निर्धारण करा जिवो प्रत्येक छात्र छात्री परीक्षा फल उपरोक्त पद्धति निर्धारण करा जिवो एवं जो थे से माने सर्वाधिक नंबर रखिबे फाइनल रिजल्ट बोली धरा जिवो मुझे तीन टाक पद्धति विषय कहीदे प्रथम पद्धति हूँ समेटिव आसेसमेंट वन एवं इंटरनल आसेसमेंट वेटेज को टू टाइम्स करके द्विगुण करके परीक्षा फल निर्धारण करा जिवो द्वितीय पद्धति हूँ समेटिव आसेसमेंट टू जोटा एप्रिल मास लास्ट वीक हम ताको डबल करा जाए परीक्षा फल मार्किंग करा जिवो तृतीय पद्धति हूँ परिषदर जो नूतन मूल्यायन पद्धति जो करा है इंटरनल आसेसमेंट रो वेटेज 20% समेटिव वन रो आसेसमेंट रो वेटेज 30% एवं समेटिव टू रो 50% वेटेज देके मार्किंग करा जिवो तीनटी जाक मार्क रो छात्र छात्री सबुठ अधिक जो पद्धति रे मार्क रहिबो ताको छात्र छात्री फाइनल रिजल्ट बोली धरा जिवो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित चलित बर्षर हाईस्कल संस्कृत मध्यम एवं राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा आसंता मास 29 तारीख रु अर्थात एप्रिल 29 रु आरंभ कर 6 मे 2022 भेष करने स्थिर कर।